الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى वो बाईद और बहुत का लफ्ज इस्तेमाल होता है।
चूंकि ये जो कुर्बान है ये अरबी ग्रामर के लिहाज से फौलान के वजन पर है, और फौलान के लफ्ज पर जो लफ्ज आते हैं अरबी के तो वो अमूमन मुबालगा के लिए होते हैं। मुबालगा का मतलब होता है सीगा मुबालगा की किसी चीज को बढ़ा के बयान करना। मसलन एक आदमी कहता है आलिम, आलिम का माना है जानने वाला, लेकिन जब वो कहता है अलीम तो अलीम सीगा मुबालगा है, इसका मतलब है ज्यादा जानने वाला। और जब एक आदमी बहुत ज्यादा जानता है तो उसको हम कहते हैं अल्लाम, ज्यादा जानने वाला, बहुत ही ज्यादा जानने वाला। और ज्यादा जानने वाला हो तो हम कहते हैं अल्लामतुन, आखिर में ता गोल लग जाती है, बहुत ही ज्यादा जानने वाला। और अगर सबसे ज्यादा जानने वाला हो तो हम उसको कहते हैं अरबी में आलम, सबसे ज्यादा जानने वाला। इसी तरह इन सीगा मुबालगा जो किसी लफ्ज के अंदर उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं माने को, इसको सीगा मुबालगा कहते हैं, मुबालगा बढ़ाना। ये एक वजन फौलान का भी आता है, उस फौलान के वजन पर ये कुर्बान आता है। तो इसको इसलिए कुर्बानी कहते हैं, कुर्बान कहते हैं कि इसके जरिए से ये जो कुर्बान का लफ्ज है इसके जरिए से बहुत ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल भी किया जाता है और बहुत ज्यादा कुर्ब अल्लाह का हासिल हो भी जाता है। इसीलिए रिवायात के मुताबिक कुर्बानी के तीन दिनों में सबसे ज्यादा जो महबूब अमल अल्लाह के यहाँ होता है वो क्या होता है, जानवर का खून बहाना, अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन अमल, अहब्बू, इसमें तफजील है, सबसे ज्यादा महबूब, अभी मैंने एक लफ्ज बोला है। तो इसलिए जब ज्यादा बहुत उन दिनों में सबसे ज्यादा कुर्ब अल्लाह का हासिल करने के लिए, अल्लाह के यहाँ महबूब बनने के लिए जो अमल होता है वो कुर्बानी यानी जानवर का खून बहाना होता है, इसलिए उसको कुर्बान कहते हैं। इसी वजन के ऊपर एक लफ्ज कुरान भी है, कुरान करीम। तो कुरान को देखें, कुरान भी फौलान के वजन पर है। तो कुरबान, कुरान का मतलब ये है कुरान सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली या बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। किरात से ले लें, अगर इसको किरात से ले लें तो इसका मतलब होगा बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। इसमें भी देखें बहुत ज्यादा मुबालगा पाया जा रहा है। तो वाकई दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, कुरान करीम। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, फजाइल आमाल। तो ये तो हुई लफ्जी एतबार से तशरीह। अब आए इसकी हिकमतें क्या हैं, मसलहतें क्या हैं, फलसफा क्या है, इन चीजों को हम जानते हैं। और इन चीजों को जानना जरूरी भी होता है, जरूरी इस वजह से होता है हम नमाज को पढ़ते हैं, नमाज का फलसफा और मसलहतें हिकमतें जो अल्लाह ने रखी हैं उनको नहीं जान पाते। चुनाचे सारी जिंदगी नमाजें तो पढ़ते हैं लेकिन नमाजों से वो मकसूद जो है, जो मकासद हैं, मतालिब हैं, मकासद शरीयत हैं, मतालिब शरीयत हैं, वो हासिल नहीं हो पाते। उन्हीं में से एक है इन सलातन हाल फहशाई और मुनकर, नमाज रुकती है हाथ छोटे बड़े गुनाह से। अब हमने ये समझा है कि नमाज पढ़ी बस अल्लाह के सामने बस पढ़ ली। अब नमाज का एक मकसद ये है कि छोटे बड़े गुनाह से इंसान बचे, और जब छोटे बड़े गुनाह से बचने का तसव्वुर मकसद शरीयत मकासद शरीयत हमारे सामने नहीं होते तो हमारी नमाजें जानदार भी नहीं होती। जानदार ना होने के वजूहात में से एक वजह यह भी होती है कि हमें नमाज की हिकमत और फलसफा और मसलहत ये चीजें हम इनसे नवाकिफ होते हैं। इसी तरह कुर्बानी को हम कर लेते हैं, मैंने ईद में भी कहा था कि छुरा हम जानवर के गले पर चला लेते हैं लेकिन जानवर के गले पर छुरा चलाना असल नहीं है, वो तो एक हुक्म है जो आप पूरा कर रहे हैं, उसके तनाजुर में उसके पसे मंजर में अल्लाह हमसे हमारी ख्वाहिशात पर छुरा चलवाना चाहता है। देखें हर आदमी ये चाहता है कि मेरी औलाद आसाइश में रहे, ख्वाहिशात आदमी, मेरी औलाद को कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई गजंद ना पहुंचे उसे, कोई जरा नुकसान ना पहुंचे उसे। अब कौन सा ऐसा वालिद है कि जो ये कहे कि मेरे वालिद मेरे बच्चे को
पहुंचे मैं चाहता हूं या खुद उसको तकलीफ पहुंचाए। इंसान की ख्वाहिश भी यही होती है, लेकिन यहां ख्वाहिश के मुकाबले में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसी मासूम बच्चे के गले पर छुरा रखे। एक तरफ ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे को आसाइश पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे, दूसरी तरफ से हुक्म आया कि आपने छुरा रखना है। तो बताएं, ख्वाहिश पूरी की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने या अल्लाह का हुक्म पूरा किया? इससे ये फलसफा मिला कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर उसमें आसाइशें नहीं देखनी, ना अपनी जाती आसाइश देखनी है, सहूलत देखनी है, ना अपनी औलाद की सहूलत और नफा देखना है, बल्कि उसमें यह देखना है कि अल्लाह का हुक्म सही मानों में पूरा कैसे हो। ये मसलहत नंबर एक मैंने आपके सामने रखी है। मसलहत नंबर दो, हुसूल तक्वा। हुसूल तक्वा क्या है? कुरान करीम में खुद कहा है कि लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम। ये जो तुम कुर्बानी करते हो, अल्लाह तुमसे गोश्त नहीं मांगता, अल्लाह तुमसे अल्लाह को तुम्हारे गोश्त की, पोस की, हड्डियों की, इन चीजों की जरूरत नहीं है। अल्लाह को चाहिए तुम्हारे दिलों का तक्वा, अपने दिलों को अल्लाह से जोड़ो, अल्लाह के करीब आओ। सिर्फ कुर्बानी की करते हुए नहीं, कुर्बानी के आगे पीछे साल के 12 महीने, दिन रात, हर पल, हर लहजा, हर साथ, हर घड़ी मैं ये देखो कि अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल हो, अल्लाह की नाफरमानी वाली चीजों से अपने आप को बचाओ। तो तक्वा असल में तो यही है कि इंसान हर करने वाला काम करे और हर बचने वाले काम से बचे, और शुबे में डालने वाली चीज से भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करे। यह है तक्वा। बुजुर्गों ने जो तशरीहात की है, मैंने खुलासा आपके सामने रख दिया। तो ये तक्वा अल्लाह फरमाते हैं कि कुर्बानी का मकसद तुम्हारे दिलों को अपनी तरफ जोड़ना, रागब करना, तुम्हारे दिलों में अपना खौफ भरना, अपनी मोहब्बत भरना, अपनी बड़ाई और किबरियाई डालना है। अगर ये तुम्हें हासिल हो गई है कुर्बानी करते हुए, तो तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई। और अगर छुरा चला के भी तकब्बुर नहीं निकला, हसद नहीं निकला, बोझ नहीं निकला, बड़ापन नहीं निकला, हलाल हराम की तमीज वाला जज्बा नहीं आया, तो फिर ऐसी सूरत में छुरा तो चला दिया लेकिन ख्वाहिशात वहीं की वहीं है। फलसफा हासिल नहीं हुआ, फलसफा हासिल नहीं हुआ। तो ये दूसरा मैंने आपके सामने पॉइंट रखा हिकमत और मसलहत और फलसफा के लिहाज से कि हमें क्या सबक हासिल होता है। दूसरा तक्वा, और ये तक्वा ऐसी अहम चीज है कि कुरान करीम ने जगह जगह इसका जिक्र किया है। कुरान करीम ने एक जगह फरमाया या अय्युहन नास उबुदू, ए लोगो अल्लाह की इबादत करो, चाहे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, उमरा है, नजर न्याज है, मन्नत मनोती है, जिक्र है, कोई भी इबादत है वो इबादत करो। या अल्लाह इबादत क्यों करवा रहे हैं हमसे सारी इबादत, इसका खुलासा क्या है, क्या चाहते हैं आप? तो जवाब आया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ तक्वा बैठ जाए। या अय्युहन्नास कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए लोगो तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं रोजे रमजान के लिए, अल्लाह क्यों फर्ज कर दिए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ आ जाए, अल्लाह की बड़ाई आ जाए, अल्लाह की मोहब्बत आ जाए। तो ये देखें, तकवा पर अगर बात की जाए तो जुमा इसी की नजर हो जाएगा, लेकिन तकवा पर कुरान हर हर मौका पर जोर दे रहा है। कुरान करीम ने शुरू में कहा ये किताब जो आई है कुरान करीम ये हिदायत है। अल्लाह किसके लिए हिदायत है? फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये तकवा वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। क्या मतलब? अगर कोई आदमी डर रखता है, वो एक बात भी बयान हो, सौ बातें बयान हो, वो फायदा हासिल कर लेगा। अगर कोई आदमी अल्लाह का खौफ नहीं रखता दिल में, तो उस पर पूरा कुरान भी अगर पढ़ लिया जाए तो अंदर तक्वा नहीं है, खौफ नहीं है, अंदर जज्बत इनाबत नहीं है, तलब नहीं है, अमल का शौक जोक नहीं है, तो पूरा कुरान सुन के भी वो आमीन तो कह देगा, शुक्र शुक्र तो कह देगा, मिठाइयां तो बांट देगा, झंडियां तो लगा देगा, लेकिन अमली जिंदगी उसकी बिल्कुल अमल से खाली होगी।
अच्छा जी, ये हो गया दूसरा। अब हर एक पर तफसीलन गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट वो है इखलास नीयत। अल्लाह इस कुर्बानी से बंदे की नीयत को खालिस करना चाहते हैं। मैं हर एक पर दलील के साथ दे रहा हूं, दलीलें बहुत है, एक एक दलील दे रहा हूं साहब। ये फलसफा कुर्बानी कहां से निकल रहा है? खुद कुरान से निकल रहा है। मसलन इखलास नीयत कहां है? قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين। कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगानी, मेरा जीना मरना لله رب العالمين, एक रब العالمين के लिए। क्या मतलब? नमाज अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए। नुसुकी से मुराद कुर्बानी भी हो सकती है, नुसुकी से मुराद हर किस्म की इबादत भी हो सकती है, और नुसुकी से मुराद कुर्बान हज और उमरा में अदा किए जाने वाले उमूर भी हो सकते हैं। इन सब के लिए अल्लाह ने फरमाया लिल्लाह, किसके लिए होने चाहिए? अल्लाह की रजा। तो कुर्बानी के हवाले से मैंने तीसरा पॉइंट मसलहत हिकमत आपके सामने क्या रखी फलसफे के तौर पर? इखलास नीयत। चौथा इसका पॉइंट हिकमत और फलसफा के हवाले से दर्स तौहीद। इसमें अल्लाह हमें तौहीद का दर्स दे रहे हैं कुर्बानी में। कैसे? इसी आयत के आगे पढ़े, ला शरीक लक व बिदालिका उमिरतु अन अफ़ज़ुल मुस्लिमीन। ए अल्लाह कुर्बानी क्यों आप ही के लिए? फरमाया इसलिए कि ला शरीक लक, वो कोई उसके साथ कोई शरीक नहीं है, न जात में, न सिफात में, न सिफात के तकाजों में, न किसी भी किस्म की इबादत में उसका कोई शरीक नहीं है, वो बेशरीक है, ला शरीक है, ला मसील है, ला मिसाल है, ला रिद्दला है, ला जिद्दला है। वो ऐसी जात है, लैस कमिस्लिही शई, उसकी तरह कायनात में कोई नहीं, वलहुल मतलुल आला फिस समावाती वल अर्द, वो जमीन और आसमानों में अपनी मिसाल आप है, फला तक्रिबू लिल्लाही अमसाल, उसके लिए मिसालें मत बयान किया, उसके लिए मिसालें मत बयान किया। दरसे तौहीद ला शरीक लक, ये भी कुर्बानी के ज़मन में आए थे। तो कुर्बानी का फलसफा हिकमत मसलहत नंबर चार मैंने आपके सामने दरसे तौहीद रखी। नंबर पांच देखें, अब ये दिमाग को लग रही है ना, कुरान ने बयान की है, हम कुर्बानी तो कर लेते हैं, छुरा चला लेते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कुरान ने इसके पीछे वजह क्या रखी है, अल्लाह क्या चाहते हैं हमसे? सिर्फ जानवर पर छुरा चलाना बस काम खत्म हो गया? नहीं नहीं, वो तो एक अमल है जो आपसे करवाया जा रहा है, वरना इसके पीछे मकासिद तो कुछ और है, मकासिद शरीयत, वो मैं बयान कर रहा हूं। नंबर चार, नंबर पांच, दरसे इत्तेबाए सुन्नत। दरसे इत्तेबाए सुन्नत, अल्लाह के नबी के तरीके को लाजिम पकड़ना। अगर कोई आदमी दीन में अच्छे अच्छे काम भी निकाल लेता है बजाय, लेकिन अगर वो हुजूर के तरीके पर नहीं है, वो खैर कुरून से 220 साल दौर से साबित नहीं है, वो आप अलैहिस्सलाम सहाबा ताबीन तबा ताबीन तक के जमाने में वो नहीं हुए और हो सकते थे नहीं हुए, एक तो ये ना मसला ही बाद में पेश आए, वो तो क्यासी मसला है, वो तो इज्तिहादी मसला है, इन दोनों में फर्क करना होगा। एक ये कि मसला ही बाद में पेश आया, इस दौर में नहीं आया, वो तो इज्तिहादी है, क्यासी है, लेकिन एक ये है कि वो मसला उस दौर में भी था, वो चीज मुहर्रिक असबाब उस वक्त भी थे, लेकिन सहाबा ने ताबीन तबा ताबीन ने खुद आप अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, तो उसका मतलब ये है कि वो दीन नहीं हो सकता, वो दीन नहीं हो सकता। अच्छा, अब दरसे इत्तेबाए सुन्नत, इस पर भी मैं की दलील दे रहा हूं, सही बुखारी सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है। हजरत अबू बुरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ईद उल अजहा के दिन नमाज पढ़ने से पहले जानवर ज़बह कर दिया। आप अलैहिस्सलाम को पता चला, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस आपने ये गोश्त ही किया है, बाकी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शहरों में नमाजी ईद के बाद जाके हमने कुर्बानी करनी होती है, और देहातों में सुबह की नमाज के बाद भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, बल्कि सुबह की अजान के बाद भी, सुबह सादिक के बाद भी आप कुर्बानी कर सकते हैं।
हाथों में जहां जुमा नहीं होता। देहात से मुराद है जहां जुमा जायज नहीं है, देहात इस तरह के देहात। अब ये शहर में होते हुए उन्होंने कुर्बानी पहले कर ली तो देहात में तो नहीं थे, तो तरीका कुर्बानी तो की लेकिन तरीके पर नहीं की। तरीका ये है कि शहर में बाद में होती है, तो हुजूर ने क्या फरमाया, बस आपने नहीं की और गोश्त ही हासिल हुआ, शुरब हासिल नहीं हुआ कुर्बानी का, ये फुरूक होता है। तो पता चला काम आप करें लेकिन तरीके से हट कर करें मर्दूद हो जाए। इससे क्या पता चला, दर से इत्तेबाए सुन्नत नबवी। ये मैंने एक मिसाल, मैंने कहा टाइम नहीं है वरना मिसालें मैं बहुत सारी अलग मदद से दे सकता हूं, एक एक मिसाल दे रहा हूं जी। नंबर छह में दर से इत्तेबाए मिल्लत इब्राहिमी। जिस तरह हम आप अलैहिस्सलाम की शरीयत मुहम्मदिया के पाबंद हैं, इसी तरह इसी शरीयत मुहम्मदिया के वजह से हम मिल्लत इब्राहिमी के भी पाबंद हैं। शरीयत आपकी है, उसी शरीयत में शामिल है कि आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को भी लेना है। और क्यों लेना है, मैं ईद में तफसीलन गुफ्तगू कर चुका हूं। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने आपको सारी इंसानियत के लिए इमाम बना दिया, सारी इंसानियत के लिए इमाम। अब सारी इंसानियत से मुराद, मैंने उस वक्त तफसीलात बहुत सारी की थी, उनमें ये भी है कि क़यामत तक के लिए होया आप इंसानों के। यहूदी कहते हैं हमारे इमाम हैं, ईसाई कहते हैं हमारे इमाम हैं, मुशरिकीन मक्का कहा करते थे हमारे इमाम हैं, और मुसलमानों ने कहा हमारे। और क़यामत की सुबह तक आप इस्लाम को भी हुक्म हो गया था उस वक्त। तुम अवहैना इलैका अन तत्तबिअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, हमने आपकी तरफ भी वही की है प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी मिल्लत इब्राहीमी की क्या करें, इत्तबा करें। फिर इस उम्मत को भी कहा कद कानत लकुम उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगानी में अल्लाह ने बेहतरीन नमूना रख दिया है। तो कुर्बानी हमें किसे मिली है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। तो दर से इत्तेबाए मिल्लत इब्राहिमी, ये मैंने कुरान की कई आयात आपके सामने पेश की जिनसे आप अलैहिस्सलाम को भी खिताब है मिल्लत इब्राहिमी के वाले से, उम्मत को भी खिताब हो गया। और एक आयत और, कुल इन्नी हदानी रब्बी इला सिरातिल मुस्तकीम दीनन क़ियमन मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ये आयत भी है इस पर। इसी तरह मैं ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता, वक्त नहीं है, मैंने दो मौजू और भी आपके सामने रखने हैं। इसी तरह नंबर सात, जाहिरी बातनी अयूब से पाकी, अच्छी आदत अपनाना। अब ये बहुत सारी है, मैं इनका दो का आपके सामने रखता हूं। इस वाक्य को मैंने ईद में भी बयान किया था आपके सामने, उसमें क्या आया था, जब बेटे से कहा गया बेटे मैंने ख्वाब देखा है आपको जबा करते हुए देख रहा हूं, जबा करते हुए देख रहा हूं, जबा किया हुआ नहीं देख रहा हूं। अज बहू का मैंने कहा था, इसको हम कहते हैं फिर मुजारे, जबा करते हुए देखा। अगर यूं होता कि जबा तू का मैंने तुझे जबा कर दिया तो जबा हो जाता, लेकिन यहां करते हुए देखा तो करना तो पाया गया, छोरा चलाया गया। अल्लाह ने फिर वफादई ना हो नाजी जन्नत से मैंने बेच दी, शकुरी हो गई और रुबिया अपने वाकई अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें मिल रही हैं, हर एक का इहाता मैं नहीं कर सकता, वक्त नहीं है, चंद चीजें रखता हूँ। एक ये है कि बाप से कहा जा रहा है बच्चे को सबा कीजिए, बच्चे की उम्र 7 या 13 साल जितनी भी है, तो बाप अल्लाह के हुक्म के सामने बच्चा बड़ी उमंगों के साथ मिला था, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी दुआओं और रोने धोने पर मिला था। 86 साल की उम्र में बूढ़े इंसान को बड़े मांग कर बच्चा मिला था, कोई मामूली अंदाज नहीं था इनका। तो बाप ने अल्लाह के हुक्म के सामने बच्चे की मोहब्बत को पीछे कर दिया, फरिश्तों को दिखाया जो फरिश्ते कहते थे कि इब्राहिम बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते। एक तो ये पता चला कि बाप अपनी औलाद से मोहब्बत जरूर रखे लेकिन जब रब का हुक्म आए तो सर पर नहीं चढ़ाएगा, रब का हुक्म कदम रखे। कहीं ऐसा ना हो इस औलाद की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद कर दे, इसमें एहतियात रखें। एक दूसरा ये है सबक ये हासिल हुआ कि बेटा माँ छोटा 7 साल का, इसके लगभग 10 साल या 13 साल के लगभग है, लेकिन बेटे से कहा जाता है कि मैं देख रहा हूँ आपको सबक करते हुए, बेटा आगे से ये नहीं कि टाल नहीं रहा, अच्छा देखा होगा फिर मैं क्या, देखा होगा नहीं, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है,
सबर करें, नहीं मैं मुझे सोचने का मौका दें, नहीं अम्मी से बात करें। छोटा बच्चा है, बच्चा सुनते ही कहता है या अबतिफ अलमा अकमल, कर गुजरी अबा जान जो देखा। इससे इशारा मिला औलाद को, जहां बाप बेटों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो के अल्लाह का हुक्म जाया न करे, उसको हुक्म, उसको तरस मिला। मसले हद में बयान कर रहा हूं कुर्बानी की। वहां औलाद को हुक्म मिला, जब बाप जायज काम का मुतालबा कर रहे हो तो आगे से मोटे मोटी नाक और बड़ी बड़ी भैंस की तरह आंखें ने बनाया निकाला, काम कर लिया करो, टाल बटोल न किया करो। औलाद ना फरमा बरदार बनो, ना फरमान ना बनो, इस्माइल की तरह बनो। तो ये औलाद को, उधर वालिद को हिदायत मिल रही है, इधर किसको मिल रही है? औलाद को मिल रही है। और अच्छा, तीसरा सबक इससे हमें ये मिला कि बच्चा क्या कहता है, या अबतिफ अलमा अकमल, और आगे कहता है सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मेरा कमाल नहीं है बजान कि मैं नहीं कर रहा, मेरा क्या असर, मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि मेरे मासूम गले पर चुना चले। ए अबा जान, उस अल्लाह ने चाहा तो मैं सबर कर लूंगा, उस अल्लाह ने चाहा। इससे पता चला जब कोई अच्छा काम आप करने लगे हैं तो ऐसे डींगे ना मारा करे इंसान, और मैं मेरे होते हुए मैं वही है जिसने अना खैरुन मिन कहा था शैतान ने, उसने भी कदम मैं बेहतर हूं आदम से, उसकी मैं ऐसी लगी फिर